ये तो कोई गलत चीज नहीं है, ये मेरे शौक है, मेरे डॉक्टर कह रखा है। भाई साहब कैसा है, पुरानी सवारी है, सबसे पुरानी आप आधे घंटे रोज बोले में तोड़ ले, आपका पेट कम हो जाएगा। बता रहा हूँ आपको, उसमें ये हुआ कि ये आदमी मेरे कॉलोनी में रहता था, अभी 2 साल पहले इसने अपना मकान बेचा और मकान बेच के मेरठ चला गया। 5 लाख का मकान बेचा गया, बेच के वहां से बर्बाद करके आ गया। इस पे जबी के मेरे 800-900 रुपए निकल लेते दूध के, मेरी दूध की दुकान है। तो अब ये फिर आ गए हैं यहाँ के, रहने लगा। मुझसे ये बोला कि साहब मोदी जी की जो योजना चल रही है जिसमें कि आपको घर बना के दिया जा रहा है, उसमें सर की मदद कर दो, आप पार्षद जी के बहुत खास आदमी हो। मैं चलो मैं बात कर रहा हूँ। तो पार्षद जी ने ये कहा कि भाई इसमें आपको प्लॉट दिखाना पड़ेगा तब मोदी जी मदद करेंगे, वो योजना यूँ है। तो बोला साहब मुझे पैसे भी नहीं है। तो बोला मैं बोला कहाँ रह रहा है, तो बोले मैं इसमें 2000 रुपये मकान पर रह रहा हूँ। तो मैंने कहा हमारे घर में रह ले भाई, हमारे घर में रहेगा, हमारे को जानवर उनकी सेवा कर, 10,000 रुपये मैं दूंगा तुझे। ये कहकर मैंने इससे बात की, तो बोले ठीक है सर मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अब इसने बात करी, घर वालों मना कर दिया, वो किसी वजह नहीं हो मुझे नहीं मालूम। फिर मैं इसके एक दिन उस मोहल्ले से गुजर रहा था, मैंने मैंने बताया नहीं, क्यों नहीं हमारे घर वाले कह रहा था 10,000 रुपये हम देने तैयार है सैलरी के लिए। तो बोले सर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं यार, मैंने मना कर दिया तेरे चक्कर में, तू मना कर रहा है। इस बात पे थोड़ी हमारी हड़बड़ हुई, हमने कहा ऐसा कर तू मत रहे, मेरे 800 मुझे निकलना, मेरे मुझे बात करता। बोले साहब अभी दे रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ये कैसे भाग गए। अच्छा अब उनका कहना है कि आप घोड़े पे गए उनकी लड़की के संग, आपने सब झूठ बात है। अगर कोई गवाह कहे तो इस बात को, कोई 4 आदमी कह दे तुम्हें मारो। इन्हें आरोप लगाया है कि भाजपा नेता उसको परेशान करता है, क्या पूरा मामला है? महिला की तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर FIR की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।